हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? ठीक है? ओके, घर में भी सारे सदस्य ठीक होंगे? ओके, तो अभी ड्राइंग की बात करें तो फोर्थ स्टैंडर्ड में डिवीजन ए बी सी डी के लिए आपको क्रिएटिव ड्राइंग बुक, ये वाली बुक लेना है। इसके बाद प्लेन आर्ट बुक, प्लेन आर्ट बुक जो है ड्राइंग बुक, वो लेनी है, ठीक है। और आपको फर्स्ट टू फोर्थ तक पेंसिल कलर या तो वैक्सीन कलर करने हैं, पोस्टर कलर या वाटर कलर या स्केच पेन कलर नहीं करने हैं, वो ध्यान रखना है। आपको फर्स्ट टू फोर्थ ओनली पेंसिल कलर या वैक्सीन कलर करने हैं, वो ध्यान रखना है। तो जब भी ड्राइंग पीरियड हो, आपके पास क्रिएटिव आर्ट बुक और प्लेन ड्राइंग बुक होनी चाहिए और साथ में पेंसिल कलर या वैक्स कलर, ठीक है। अभी शुरू करें तो सबसे पहले आपको कैलीग्राफी ड्राइंग, लास्ट ईयर भी आपने थर्ड में कैलीग्राफी करा था, है ना, वही कैलीग्राफी हम फिर से एक बार फोर्थ में करेंगे। और जब फिफ्थ में जाओगे तो भी शुरुआत में आपको कैलीग्राफी इसलिए करते हैं कि आपने पूरा वेकेशन अगर कुछ प्रैक्टिस नहीं करी है ड्राइंग की, आपकी प्रैक्टिस छूट गई है, तो वही रिदम में आने के लिए आपको थोड़ी सी कैलीग्राफी शुरुआत में कर दें, क्योंकि आपकी जो ड्राइंग है वो थोड़ी इम्प्रूव हो, आपकी हैंडराइटिंग राइटिंग इम्प्रूव हो। तो शुरू करें। यहाँ पे देखो ध्यान से, तो चार बॉक्स दिए हुए हैं, चारों में आपको कैलीग्राफी फॉर्म में लाइन बनी हुई है और नीचे आपको चारों बॉक्स दिए, तो ऊपर जैसे कैलीग्राफी लाइन बनी हुई है वैसे ही आपको नीचे बनानी है, ठीक है। तो शुरू करें। सबसे पहले ये बॉक्स के चार पार्ट बना, इक्वल चार पार्ट, ये सेंटर से लाइन लिया और यहाँ से चार इक्वल पार्ट बन गए। यहाँ पे आएगी स्टैंडिंग लाइन, हर एक लाइन के बीच में गैप का ध्यान रखना है, ओके। ऊपर से नीचे तक बिना स्केल के सीधी लाइन बनानी है, जितना हो सके उतना सीधा सीधी लाइन होनी चाहिए। इनकेस टच हो जाता है, गैप कम हो जाता है, तो इरेज नहीं करना है लाइन पर, कंटिन्यू कंप्लीट लाइन को करते जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे स्लीपिंग लाइन, ऐसे जहां पे आपने पेंसिल रखा तो आखिर तक हाथ को नीचे जाना है, बीच में पेंसिल उठानी नहीं है। इस तरह से ये बॉक्स कंप्लीट करेंगे, ओके। अभी यहाँ पे ऊपर का जो बॉक्स है स्टैंडिंग है, तो नीचे स्लीपिंग हो जाएगा, यहाँ पे स्लीपिंग लाइन बनेगी। तो इस तरह से आपको पूरा बॉक्स जो है, चारों बॉक्स वो कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे स्टैंडिंग, इस तरह से ये पूरा बॉक्स कंप्लीट होगा, ओके। इसके बाद ये दोनों का सेंटर, ये लाइन बनेगा, यहाँ पे बनेगा सेंटर, यहां से ऊपर और नीचे से लेके उसका जो सेंटर है वो ये बनेगा। ऊपर की दो लाइन सेंटर के लिए बनाई, बिल्कुल ठीक उसके नीचे एक लाइन और बना लो और बिल्कुल उसके सामने, चारों सेंटर बन गए। यहां से लाइन दो, यहां टच करो, ये डॉट से लेके यहां पे टच करो, ये डॉट से यहां पे और ये डॉट से यहां पे, तो एक डायमंड शेप स्क्वायर बन गया। यहां पे क्या करना है आपको, बिना पेंसिल उठाए एक बार रखा तो सीधा लाइन खींचते जाओ, गैप का ध्यान रखो, अगर टच हो जाता है तो इरेज नहीं करना है और बॉक्स बनाओ। फिर से एक और स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर हम ऐसे ही मुंह बनाते जाएंगे आखिर तक। डिस्टेंस का ध्यान रखना है और यूं हम स्क्वायर बनाते जाएंगे, ठीक है। फिर ये कॉर्नर से लाइन ऐसे, ये कॉर्नर से लाइन, ये कॉर्नर से लाइन सेंटर में और ये कॉर्नर से लाइन सेंटर में, फिर यहाँ पे हम लाइन बनाएंगे ऐसे, स्लैंट लाइन, गैप इक्वल रखना है, ओके। यहाँ पर भी स्लैंटिंग लाइन, डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर भी। तो इस तरह से पूरा बॉक्स जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। इसकी प्रैक्टिस आप होमवर्क में प्लेन बुक के अंदर जितना चाहो उतने पेज भर के कर सकते हो,
इसकी आप जितनी भी प्रैक्टिस ज्यादा करोगे उतनी आपकी ड्राइंग जो है वो ज्यादा इंप्रूव होगी। ओके, इस तरह से ये पूरा बॉक्स कंप्लीट होगा। नेक्स्ट यहां पे देखो तो लाइन कैसे बनेगी, गैप का ध्यान रखना है, बिल्कुल पास पास में लाइन बनती जाएगी। HB पेंसिल से आपको HB या 2B पेंसिल से ड्राइंग करना है, 6B 8B वो दूसरी पेंसिल डार्क पेंसिल नहीं लेनी है, तो नॉर्मल जो एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल आती है उससे आप लाइन बना सकते हो। तो इस तरह से आप ये वाला बॉक्स कंप्लीट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ यहाँ पे वेव लाइन बनाएंगे, गैप का ध्यान रखना है और आखिर तक बिना पेंसिल उठाए ये लाइन कंप्लीट करनी है आपको। तो इस तरह से पूरा बॉक्स जो है वो कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो वो पेज नंबर 4, यहाँ पे ऑलरेडी डॉटेड लाइन में आपको ड्राइंग दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, पेंसिल से उसी डॉटेड लाइन के ऊपर आपको लाइन जो है वो डार्क लाइन बनानी है। तो नीचे मैं यहां पे बता रहा हूं, ओके, यहां पे देखो ऐसे डॉटेड लाइन है बुक के अंदर, ऐसे पूरा लाइन जो है वो डॉटेड लाइन से बना हुआ है। आपको क्या करना है, पेंसिल से उसी डॉटेड लाइन के ऊपर यू लाइन बनानी है। ध्यान रहे कि डॉट से आजू बाजू लाइन नहीं बननी चाहिए, ठीक उसी के ऊपर पेंसिल चलनी चाहिए, इससे आपकी एकाग्रता जो है वो बढ़ेगी। ऐसे तो इस तरह से पूरी जो लाइन है वो आपको कंप्लीट करनी है। ऐसे पूरा लाइन कंप्लीट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे लीव्स का शेप दिया हुआ है सेकेंड लाइन में डॉट से, तो ये डॉटेड लाइन को भी हम पेंसिल से डार्क करेंगे और ये कंप्लीट करेंगे। ऐसे उसके बाद थर्ड जो लाइन है, यहाँ पे स्पेस चाहिए नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो ये वाला जो डॉटेड लाइन है वो इस तरह से है, इसको भी आपको क्या करना है, डॉटेड लाइन के ऊपर ही पेंसिल को चला के ये डॉटेड लाइन को डार्क करना है थर्ड लाइन को। तो इस तरह से लाइन कंप्लीट होगी। फोर्थ लाइन जो है वो भी मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, तो फ्लैम शेप है, इसमें भी ये वाले शेप के ऊपर डॉटेड लाइन के ऊपर आपको डार्क पेंसिल चला के इसको डार्क करना है। ठीक है, आजू बाजू डॉट से आजू बाजू पेंसिल नहीं चलना चाहिए, ठीक डॉटेड लाइन के ऊपर ही पेंसिल चला के ये कंप्लीट करना है। इसके बाद नेक्स्ट सर्कल बनाना है, लास्ट जो शेप बनाया है डॉटेड लाइन में इस तरह से बना हुआ है, तो आपको पेंसिल से उसी डॉटेड लाइन के ऊपर लाइन बनाते हुए कंप्लीट करना है। इस तरह से आप कंप्लीट करते जाओगे। तो समझ में आया आपको क्या करना है, फर्स्ट पेज नंबर 3 पे कैलीग्राफी जो लाइन बनी हुई है उसकी प्रैक्टिस करनी है, नीचे बॉक्स दिए हुए हैं। ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आप प्लेन बुक के अंदर 1 पेज 2 पेज 3 पेज कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 4, यहाँ पे भी डॉटेड लाइन में शेप्स बने हुए, लाइन बनी हुई है, उसी के ऊपर आपको पेंसिल से डार्क करना है। डॉट के आजू बाजू लाइन नहीं चलनी चाहिए, बिल्कुल डॉट के ऊपर लाइन चलनी चाहिए, इसकी प्रैक्टिस आपको प्लेन बुक के अंदर करनी है और इसमें भी करना है। एक बार और मैं बता रहा हूँ, आपको और प्रैक्टिस करनी हो तो
देखो प्लेन बुक के अंदर आपको क्या करना है, फुल पेज ले लो प्लेन बुक के अंदर, यहां से लेके आखिर तक बिना स्केल के सीधे लाइन खींच लो, बीच में हाथ उठाना नहीं है, बिना हाथ उठाए ये लाइन को कंप्लीट करोगे। सेकेंड लाइन जब बनाओ तो बिल्कुल उसके नीचे गैप का ध्यान रखना है और सीधी लाइन लेनी है आखिर तक, बीच में रुकना नहीं है, अगर टच भी हो जाता है तो भी इरेज नहीं करना है, आप कंटिन्यू ऐसे लाइन बनाते जाओगे, पूरा पेज आप इस तरह से लाइन बनाते हो या भर सकते हो, ठीक है। ऊपर से नीचे तक फुल पेज, बीच में पेंसिल उठाना नहीं है, ऐसे लाइन बनाते जाओगे। फिर नेक्स्ट पेज पे सर्कल बनाना है और उसी सर्कल के ऊपर आपको पेंसिल थोड़ा स्पीड में चलाते जाना है, ऐसे प्रैक्टिस करो आप, ऐसे उसी सर्कल के ऊपर बार बार रिपीट करना है आपको, पेंसिल चलाते जाना है, ठीक है। फिर उल्टे हाथ से उसी के ऊपर रिवर्स में चलना है आपको, यूं सर्कल बनाते जाओ, छोटे सर्कल की प्रैक्टिस करो, फिर सीधा चलेंगे, फिर रिवर्स में, तो इससे भी आपकी जो ड्राइंग है वो इंप्रूव होगी। सीधी लाइन बनानी है, सर्कल बनाना है, ये वाला स्क्वायर के अंदर स्क्वायर बिना पेंसिल उठाए आप ऐसे कैलीग्राफी ड्राइंग कर सकते हो, फिर सर्कल, सर्कल के अंदर हम सर्कल बनाते जाएंगे। ये सारे चीजें करने से आपकी जो ड्राइंग है वो बहुत इंप्रूव होगी, ठीक है। समझ में आया आपको क्या करना है, आर्ट बुक के अंदर जो मैंने बताया वो आर्ट बुक के अंदर भी करना है, उसकी प्रैक्टिस प्लेन बुक के अंदर भी करोगे, और एक्स्ट्रा ये जो मैंने वर्क बताया वो आप प्लेन बुक के अंदर कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।